हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये जो पहला चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग, शानदार और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के बिना जो अदर चैप्टर्स होंगे फिजिक्स के आने वाले टाइम में, वो पढ़ना लगभग नामुमकिन है। उनको उन चैप्टर्स को समझने के लिए इस चैप्टर को समझना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो फिजिक्स के इस चैप्टर को समझने के पहले हम लोग फिजिक्स के बारे में ही जान लें कि ये फिजिक्स होता क्या, होती क्या है। तो फिजिक्स जो ये वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड होता है फ्यूजिस, उससे आया है, जिसका मतलब होता है नेचर। ऐसे ही इसको हिंदी में भौतिकी कहते हैं, जो कि संस्कृत के वर्ड भौतिकी से आया है, जिसका भी मतलब होता है कि स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। मतलब फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। यानी फिजिक्स की जो साइंस की उस ब्रांच को कहते हैं जिसमें हम लोग नेचर या उस नेचर की कुछ नेचुरल फिनोमिना की स्टडी हम लोग करते हैं। दस फिजिक्स इज द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल साइंस। कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। अब बात आती है कि इस फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए इस पे जो साइंटिस्ट या जो भी फिजिसिस्ट हुए हैं, उन्होंने दो बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड इन्होंने अपनी स्टडी की है। तो पहला जो इसका प्रिंसिपल होता है वो होता है यूनिफिकेशन, और दूसरा होता है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन का क्या मतलब होता है? यूनिफिकेशन का मतलब होता है यूनिफाई करना, यानी बहुत सारी डाइवर्स फिनोमिना का जो स्टडी है वो किसी एक लॉक में कर देना। जैसे कि कोई फ्री फॉल बॉडी अगर है उसकी स्टडी, जैसे जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व उनका होना, या बहुत सारे सैटेलाइट्स जो होते हैं वो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उन सभी का मोशन जो है हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से उसको समझते हैं। यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या हुआ, वो यूनिफाई कर दिया इन सारी की सारी घटनाओं को, वो एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी घटनाओं को किसी एक लॉ के द्वारा एक्सप्लेन करना ही यूनिफिकेशन कहलाता है। अब दूसरा टर्म आता है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म जो है, ये जो इसका ही मतलब ये होता है कि जैसे बहुत बड़ी कोई कॉम्प्लिकेटेड अगर प्रॉब्लम है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके सॉल्व करना, बेसिक इसका ये मतलब है। जैसे कोई भी एक बड़ी प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, तो उसको पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और उसके छोटे छोटे पार्ट को अलग अलग सॉल्व करके उस पूरी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे किसी एक बड़ी बॉडी का टेम्परेचर आपको पता करना हो, तो उस बड़ी बॉडी का टेम्परेचर पता करने के लिए उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी आप पता कर लें, तो उससे आप उस बॉडी के पूरे टेम्परेचर को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो फिजिक्स के दो बेसिक प्रिंसिपल हैं, जिनमें एक है आपका यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शनिज्म। अब इस फिजिक्स का जो मैथमेटिक्स के साथ क्या रिलेशन है, यानी फिजिक्स इन रिलेशन टू द मैथमेटिक्स। कहते तो लोग ये हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। कुछ लोग तो इसको कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। मतलब यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों दे रहे हैं? जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, अब अगर आप कहते हो कि बहुत सारे लोग हैं या बहुत कम लोग हैं, तो वो इतना डिफाइंड नहीं होता है। लेकिन जब आप कहते हो कि मेरी फैमिली में 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, तो वो वेल डिफाइंड हो जाता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप पूरी तरह से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उस फिनोमिना को समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैथमेटिक्स की नीड होती है। जैसे ही मैथमेटिक्स लग जाती है, वैसे ही वो ऑब्जर्वेशन और ज़्यादा क्लियर कट और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। अब इस चैप्टर में हम लोग इसी के बेस पर आगे हम लोग एक टॉपिक जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा मैथमेटिकल टूल्स। उस मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे, हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक फॉर्मूले, कुछ बेसिक फंडे जो फिजिक्स में ज़्यादातर जगहों पर यूज होंगे, उनको हम लोग सीखेंगे। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे चल के।